यदि मंगल के कारण बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, दुर्घटनाएं हो रही हो, मंगल के कारण खून से संबंधित ब्लड से रिलेटेड कोई यदि समस्या हो गई हो, या मंगल के कारण आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता हो, गुस्सा बहुत करते हो और ऐसे गुस्से में आप किसी को नुकसान भी पहुंचा देते हो, यदि मंगल के कारण किसी बीमारी में, किसी समस्या में ऑपरेशन की नौबत आ गई यानी सर्जरी की भी अगर जरूरत पड़ गई हो, तो इन सबसे बचने के लिए हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी आनंद से और अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो जो है छोटा जरूर है परंतु बहुत ही फायदेमंद है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि हनुमान जी की स्तुति यानी कि हनुमान बाहु के पाठ से क्या क्या फायदा होने वाला है और ये आपको किन किन बीमारियों से बचा सकता है। ये जानेंगे कि हनुमान बाहु के पाठ को करने का सही तरीका क्या है। चलिए पहले जानते हैं पाठ करने का तरीका और फिर जानेंगे कितना लाभदायक है हनुमान बाहु का आपके फिजिकल पेन को दूर करने में, बीमारियों और शारीरिक कष्ट को दूर करने में। हनुमान जी बहुत ही सरल देवता है ये हम सभी जानते हैं और बहुत जल्दी और आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। हनुमान बाहु में 44 पद हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इसकी रचना तब की थी जब वो शारीरिक रूप से बहुत पीड़ा में थे, इसलिए हम सभी के लिए भी अत्यंत लाभदायक होगा। तो आपको करना क्या है इसके पाठ के लिए, हनुमान जी की फोटो या कोई छोटी सी प्यारी सी मूर्ति आप लीजिए जिसमें वो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो, आपको इसको स्थापित करना है। इसके साथ में आप राम दरबार का भी एक फोटो या चित्र या मूर्ति आप जैसे आप रखना हो आप उसको भी जरूर रखिए। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक में भी हो सकते हैं। फिर आपको घी का एक दीपक जलाना है। इसके साथ ही एक छोटे से कटोरे में, बाउल में या गिलास में आपको साफ पानी भी भर के रख देना। सबसे पहले आपको भगवान राम की पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद आप हनुमान जी को प्रणाम करिए, उनको ध्यान करिए और कहिए कि हे प्रभु, हे हनुमान प्रभु, मुझे इन सब बीमारियों से आप मुक्त करिए और हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करिए। इसके बाद हनुमान बाहु का पाठ आपको बोल बोल कर पढ़ना है। बोल बोल कर यदि आप हनुमान बाहु का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। इस पाठ के करने के कुछ देर के बाद जो आपने साफ पानी रखा था कटोरे या गिलास या बाउल में, उसको रोगी व्यक्ति को पीने के लिए दे दीजिए। बहुत ही शीघ्र लाभ आपको इसमें दिखने लगेगा। आइए जानते हैं कि यह हनुमान बाहु का पाठ किन किन रोगों में अत्यंत लाभदायक है। यदि किसी को दर्द की समस्या है तो ये अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा यदि कुंडली में राहु की दशा चल रही हो तो बीमारियां होती हैं, बीमारी का कारण समझ में नहीं आता है, तो इस स्थिति में भी हनुमान बाहु का पाठ आपको बहुत लाभ प्रदान करेगा। यदि मंगल के कारण बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, दुर्घटनाएं हो रही हो, मंगल के कारण खून से संबंधित ब्लड से रिलेटेड कोई यदि समस्या हो गई हो, या मंगल के कारण आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता हो, गुस्सा बहुत करते हो और ऐसे गुस्से में आप किसी को नुकसान भी पहुंचा देते हो, यदि मंगल के कारण किसी बीमारी में, किसी समस्या में ऑपरेशन की नौबत आ गई यानी सर्जरी की भी अगर जरूरत पड़ गई हो, तो इन सबसे बचने के लिए हनुमान बाहु का पाठ आपको प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्रदान करने वाला होगा। इसका यदि आप 11 बार भी पाठ कर लेते हैं तो लाभ आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगा। यदि इसका पाठ आप लंबे समय तक कर लेते हैं तो इन रोगों से आप तो मुक्त हो ही जाएंगे। तो फिर क्या, चलिए हनुमान बाहु का पाठ आप अपने लिए प्रारंभ कर दीजिए। एक बात और, यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उसके बाद भी हनुमान बाहु का पाठ यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से ये जो बीमारियां अभी हमने गिनाई, जो परेशानियां हमने बताई, इसमें से कोई भी आपके नजदीक नहीं आने वाली है, ये बिल्कुल सत्य है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक तो बनता ही है। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और प्यार से बोलिए जय बजरंगबली।